प्रिय भाई और बहनों, सबों को यीशु मसीह के नाम में फिर से जय यीशु। आज यहुआ हमें राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5 से लेकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 12 तक यह संदेश हमें देना चाहता है। ये उन दिनों की बात है जब गिबियोन नगार में राजा सोलोमन हुआ करता था। तो एक रात प्रभु यहुआ ने राजा सोलोमन को सपना में दिखाई दिया और उन्हें यह बोलने लगा, हे राजा, आपको क्या चाहिए? तब सोलोमन ने उत्तर दिया, मेरा पिता दाऊद आपके संग और मेरे जितना ये भरी कलीसिया आपके संगति में रह के आपके ही आज्ञाओं के द्वार आगे बढ़ा। उसी प्रकार अभी मैं आपकी आगे में कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो इतना कम उम्र में एक राजा हूँ, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हे यहोवा, आपकी जो भी इच्छा है मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो ये पूरे संसार या पूरे ये मनुष्य जाति को अपने मुझे जैसे दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप वो दे मेरी प्रार्थना के द्वारा, ताकि मैं इन लोगों के बीच में योग्य होके आपके ही द्वारा चला सकूं। उसी प्रकार हे प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। ये बात सुनकर प्यारे भाई और बहनों, हमें यह चीज़ को ध्यान से सुनना है। उस समय में इतना बड़ा राजा सोलोमन, जब यहुआ ने उसे सपना में दर्शन दिया, लेकिन उसने जब राजा होकर यहुआ से बात किया सपना में, उसने इस संसार की मोहमाया, इस संसार की खुशी जैसे है धन दौलत संपत्ति, उन चीज़ों के बारे में नहीं मांगा, परंतु उसने केवल यीशु की ही साथ में रह के अपने को दीनहीन बना के, छोटा बना के प्रभु जो देना चाहता था उसी की मांग उसने किया। तो प्रभु ने सोलोमन राजा की प्रार्थना को सुन के बहुत आनंद हुआ हृदय मन से। इसीलिए इधर में हमें विशेष करके यहोवा हमें यह बताना चाहता है, इतना बड़ा राजा होकर दाऊद की घराना से आके भी उसने इस संसार की चीज़ों के बारे में नहीं मांगा, या इतना बड़ा राजा होके कुछ उनके ही दरबार के चीज़ों को नहीं मांगा, परंतु उसने मेरे ही अधीन रह के मैं जो देना चाहता उसी के बारे में उसने मांगा। इसीलिए मैं आज इतना बड़ा राजा को आनंद होके मैं खुशी से उनको विवेक या सबसे बढ़कर ज्ञान इस संसार में उन्हें देना चाहता हूँ, ताकि वो इस पूरे भारी कलीसिया को चला सके। प्यारे उपस्थित भाई और बहनों, एक चीज़ को हमें ध्यान रखना, जब भी हम प्रभु में आते या मिसा में आते अनेक चीज़ों को मांग करते हैं, तब हमें ध्यान रखना किन चीज़ों के बारे में हम मांग करते हैं। प्रभु हमें स्वर्ग से रचा है, स्वर्गीय चीज़ों को हमें देना चाहता है, क्या हम स्वर्गीय चीज़ों के बारे में मांगते हैं यीशु से? इसलिए हमें ध्यान में रखना है, प्रभु के संग रह के प्रभु की आज्ञाकारी बनना है, और वो जो देना हमें चाहता है उन्हें हमें मानने के लिए इच्छा बरकरार रखना है हमारे जीवन में। यही बोल के सबों को मैं यीशु मसीह के द्वारा जय यीशु।